मेरा नाम विनोद कुमार है, डिविजनल मैनेजर हूँ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में। हमारा जो ये आज विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ये केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में हो रहा है। केंद्र सरकार जो सभी पब्लिक सेक्टर को आहिस्ता आहिस्ता निजीकरण सभी का कर रही है, उसके विरोध में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि LIC, GIC की चारों कंपनियां नेशनल, यूनाइटेड, ओरिएंटल और न्यू इंडिया, इन सभी को अभी पिछले बजट में निजीकरण के बारे में जो बिल है वो पास हो चुका है। और बैंक्स ऑलरेडी काफ़ी बैंक प्राइवेट किए जा चुके हैं, काफ़ी मर्ज किए जा चुके हैं। तो हम इसी के विरोध में अपना ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से यही आग्रह करता हूं, सभी लोगों से भी यह आग्रह करता हूं कि अगर हम केंद्र सरकार की इन नीतियों का विरोध नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट सरकार हमारे पब्लिक सेक्टर को सभी को बेच देगी। और जो पब्लिक सेक्टर इतने बढ़िया प्रॉफिट में चल रहे हैं वो भी एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम आया है वो 17 तारीख को जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का एक दिन की फुल स्ट्राइक है सारे दिन की, और 18 तारीख की जो LIC की वो स्ट्राइक है। आज 15 और 16 तारीख को बैंक से बंद हैं, वो स्ट्राइक पे हैं। तो अगर केंद्र सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी और इन जो दमनकारी नीतियां हैं प्राइवेटाइजेशन की ये वापस नहीं लेगी, तो हम जो भी हमारे सेंट्रल कमेटी से ऊपर से जो कॉल आएगी हम वो पूरी तरह यहां लागू करेंगे।